अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं फरीहा। कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह ठीक ही होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये मैंने जो पनीर लिया है ये आधा किलो पनीर मैंने लिया है। उसके बाद में मैंने लिया है यहाँ पर 1.5 कप दही मैंने लिया है, लेकिन इतना मैं यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ मैंने लिया है 1.25 किलो से ज़्यादा शिमला मिर्च, और टमाटर मैंने लिए हैं मीडियम साइज के, चार पांच बड़े पांच टमाटर हैं, और मैंने चार मीडियम साइज की ही प्याज ली है। मैंने लिया है एक पूरा बड़ी गड्डी लहसुन की, और मैंने यहाँ पर लिया है 6 से 7 इंच अदरक का। आप अदरक और लहसुन को क्वांटिटी कैसे देखेंगे ये इसका बता देती हूँ मैं ट्रिक आपको। लहसुन जितना आप छिलोगे उसके मुताबिक आप अदरक को भी काट लो, और उसकी क्वांटिटी को सेम देख लीजिए। आपके लहसुन और अदरक जो है वो सेम क्वांटिटी में अगर है तो आपका ये परफेक्ट अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो बन जाएगा। अब उसके बाद सूखे मसालों में देख लीजिए आप। यहाँ मैंने लिया है 1 से 1.5 सॉल्ट। सॉल्ट अपने हिसाब से, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, तो इसको मैंने लिया है 2 छोटे चम्मच। एक चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर, ये 2 चम्मच आपने लेना है किचन किंग। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इसमें सब्जी में टेस्ट अच्छा मतलब लाता है ये, इसलिए मैं यूज करती हूँ। और इसमें मैंने 1 चम्मच जो है गरम मसाले का लिया है। इसके बाद ये मैंने क्या डाला था, और मैंने 1/2 टीस्पून जो है वो यहां पर लिया है मीट मसाला, और ये दिखा दे, ये देखिए, ये जो है मैंने मसाला स्पेशली ईद के लिए मैंने बनाया है। उसको मैं आज टेस्ट करने वाली हूँ कि कैसे, अगर ये मुझे पसंद आया तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। इसको आप बहुत दिन तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं आराम से, और इसमें सारी खुशबू आपको कहीं से कुछ भी और डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये आप बनाते हैं तो आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये भी यहाँ पर जो है वो 1 चम्मच ले रही हूँ। इसके अंदर सारे खड़े मसाले हैं, प्लस इसके अंदर सूखा नारियल भी मैंने डाला है, और जायफल, इलायची, ये सारा मैंने डाला है। तो इसको एक बार मैं आपको ईद से पहले पहले ये मसाला बनाकर मैं बता दूंगी। अब सबसे पहले हम पनीर के पीसेस कर लेते हैं। पनीर को हम मीडियम पीसेस करेंगे, और इसको हमने मैरिनेट करना है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। सबसे पहले हम शिमला मिर्च जो है इसको डाल रहे हैं। इसके बाद पनीर के पीसेस को भी हम डाल देंगे इसमें। हमने आधा कटोरी दही लिया था, उसमें से मैं सारा दही डाल के, अब देखिए मैंने थोड़ा सा दही मैंने रख दिया है जो मैं बाद में डालूंगी।
अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, वन टीस्पून मिर्ची सॉरी हल्दी और 1 टीस्पून नमक। इसमें मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करूंगी और अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून चाट मसाला जो है वो डाल रही हूँ। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब फ्रेंड्स मैं इसमें 2 से 2.5 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। अब मैं इसमें सबसे पहले थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। और अब इसमें मैं प्याज जो है सारी प्याज मैंने इसमें डाल दी। प्याज को हमें ज्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ी सी नरम हो जाए और पिंकिश कलर में हो जाए। देखिए फ्रेंड्स ये प्याज तो थोड़ी सी नरम हो चुकी है और लाइट पिंक कलर इसमें आ गया है। इतना ही हमें चाहिए। अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूंगी। टमाटर को मैंने रफ चॉप किया है। हमें इसको ज्यादा फाइन चॉप नहीं करना है। अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा नमक यहाँ पर डाल रही हूँ कि थोड़ा सा हमारा प्याज और टमाटर जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। हमें ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है क्योंकि ये आगे ही पकेगा। अब मैं इसमें लहसुन अदरक और एक चीज मैं भूल गई थी आपको बताना, ग्रीन चिली मैंने वो भी लिया है, जो मोटी वाली जो ग्रीन चिली होती है पल्पी वो आपने लेना है। छोटी वाली जो हरी बिल्कुल तीखी होती है वो नहीं लेना है। तो वो वाली चिलीज मैंने इसमें 4 से 5 लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये कितनी अच्छी तरीके से प्याज टमाटर और जो हमारा अदरक लहसुन का और मिर्ची का पेस्ट था वो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज पे जो दही मैंने बचा के रखा था वो यहाँ डाल रही हूँ। फ्रेंड्स ये बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। पनीर को ज़्यादा बनाना नहीं पड़ता है और शिमला मिर्च जो है वो थोड़ा सा कच्चा पक्का ही हम पसंद करते हैं खाना। अब इसमें मैं सारे ड्राई मसाले जो हैं वो डाल रही हूँ। रमज़ान स्पेशल जो बिरयानी और दाल गोश्त कीमा निहारी और चिकन मोगलाई मटन अफगानी
इन सब का जो मसाला एक होता है ये, इस अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं वो वीडियो भी डालूंगी, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट ऑलरेडी मैंने ये चीज़ जो है वो पहले बना ली है। तो अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स देखिए ये मसाले बहुत अच्छे तरीके से भून गए हैं, और जो मैंने अपना स्पेशल मसाला बनाया था बिरयानी के लिए वो भी मैंने इसमें ऐड किया है टेस्ट करने के लिए कि इसकी स्मेल कैसी है, और यकीन जाने इसकी बहुत अच्छी खुशबू है। अब जो है मैं ये सारा पनीर और शिमला मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा जो पैन है वो बिल्कुल फुल हो गया है, इसमें अभी और कोई गुंजाइश नहीं है, और मुझे ज़्यादा इसमें ग्रेवी वगैरह भी नहीं चाहिए, मुझे जस्ट इसको थोड़ा सा सूखा सूखा ही बनाना है, क्योंकि मैं साथ में इसके दाल फ्राई बना रही हूँ, तो बस इतना ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी फ्रेंड्स मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है कि शिमला मिर्च जो है वो थोड़ी सी पक जाए, इसको हमने फुल फ्लेम पे ही बनाना है। अब फ्रेंड्स ये स्टेज हमारा लास्ट है, और इसको रेस्टोरेंट स्टाइल में बोलते हैं कड़ाही पनीर। तो कड़ाही पनीर का मैं नाम ना देते हुए इसको मैं शिमला मिर्च पनीर बोल रही हूँ, क्योंकि फिर बड़े सारे लोग जो हैं वो कमेंट में कमेंट करते हैं कि नहीं जी कड़ाही पनीर ऐसा नहीं बनता है, कड़ाही पनीर कड़ाई में बनता है, तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए हमारा जो सब्जी है वो बन के रेडी है, अब इसकी मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। मैंने इसमें ग्रेवी जो है वो बहुत कम रखी है, क्योंकि ये सूखी सब्जी बनती है, लेकिन हमारे घर में जो है कोई दाल खाता है तो कोई ग्रेवी के साथ खाएगा, इसके लिए मैंने ग्रेवी रखी है। अदरवाइज आपको सूखी सब्जी बनानी है तो आप इसमें पानी बिल्कुल कम डालें, या ना डालें तब भी चलेगा, ये ऐसे भी बन जाएगी। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो देसी घी है वो डाल रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा। और गार्निशिंग के लिए धनिया। तो लीजिए हमारी डिश बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी डिश पसंद आती है तो हमेशा की तरह मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है आपसे कि इसको बनाएं खाएं, और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी, और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे न्यू यूज़र्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि एक बेल आइकन होती है, जब आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो उस बेल आइकन को आप प्लीज़ प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरी नई डिशेस बनती हैं मैं अपलोड करूँगी तो आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।